ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। शेयर मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना बाजार जोखिम के अधीन होता है। चलिए अब हम मान लेते हैं कि शाम ने एक निफ्टी का कॉल ऑप्शन को बाय किया है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का बाय किया है? 10,000 की स्ट्राइक प्राइस का बाय किया है और ₹50 प्रीमियम पे उसने बाय किया है। आपको पता ही है कि निफ्टी का जो लॉट साइज है FNO में वो 75 शेयर्स का है, तो उसने एक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय किया है 10,000 स्ट्राइक प्राइस की, ₹50 पे उसने बाय की है। अब मान लीजिए कि एक्सपायरी वाले दिन जो निफ्टी स्पॉट प्राइस है वो अपने 10,010 पे ट्रेड हो रहा है और इसी पे वो क्लोज कर गया और उसकी जो कॉल थी वो इन द मनी हो गई। कितने रुपए से? ₹10 पे वो इन द मनी हो गई। अब यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि उसने ₹50 में बाय किया था, ₹10 उसकी वैल्यू रह गई तो ₹40 उसको लॉस हो रहा है, यहाँ पे हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हायर STT कब लगेगा और वो कितना लगेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे दो केसेस हैं। इफ ही सेल्स बिफोर एक्सपायरी, मान लीजिए वो एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी से पहले जब भी उसने ये बाय किया था उसके बाद वो किसी भी स्टेज में एक्सपायर होने से पहले अपनी ऑप्शंस को सेल कर देता है। मान लीजिए वो एक्सपायरी वाले दिन ही उसको सेल करता है और वो मार्केट क्लोज होने से पहले सेल करता है। मान लीजिए जब उसने सेल किया था तो ये जो कॉल ₹10 पे क्लोज की है ये उस वक्त ₹20 पे चल रही थी। अब ये मान लेते हैं कि शाम ने अपनी जो कॉल ऑप्शन थी 10,000 स्ट्राइक प्राइस वाली उसको उसने ₹20 पे निकाला था, यानी उसने स्क्वेयर की थी। हमने ये पहले देखा है कि जब कोई बायर ऑप्शन को कॉल या पुट को बाय करता है और जब उसको स्क्वेयर करेगा यानी सेल करेगा तब उस केस में उसको नॉर्मल STT चार्ज होगा। तो इस केस में उसने ₹20 पे अपनी पोजीशन को स्क्वेयर किया है। हमने पहले देखा था जब नॉर्मल STT एप्लीकेबल होता है तो वो प्रीमियम वैल्यू के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो इस केस में क्योंकि उसने ₹20 पे अपनी ऑप्शन को स्क्वेयर किया है तो यहाँ पे प्रीमियम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पहले 75 लॉट साइज है, ₹20 सेल प्राइस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर 0.05% जो STT का नॉर्मल रेट है उससे कैलकुलेट करेंगे तो उसको पर लॉट उसको 0.75 रुपीज का टैक्स लगेगा STT का। तो उसने जितने लॉट लिए होंगे उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे उसने एक लॉट लिया है तो उसको STT कितना चार्ज होगा? 0.75 चार्ज होगा। अगेन हम यहाँ पे सिर्फ STT की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि उसने 50 पे बाय किया था, 20 में सेल किया है तो ₹30 का उसको लॉस हो गया। हम सिर्फ यहाँ पे STT का कंपेरिजन करेंगे। अब सेकेंड सिनेरियो ये ले लेते हैं कि शाम ने अपनी जो ये कॉल थी 10,000 स्ट्राइक वाली जो क्लोजिंग वाले दिन इन द मनी हो गई ₹10 से, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये ₹10 से इन द मनी हो गई कॉल। अब इसने इसको स्क्वेयर नहीं किया एक्सपायरी डे वाले दिन और इसने इसको एक्सपायर होने दिया, क्योंकि अब ये इन द मनी हो गई थी ₹10 से और ये इन द मनी में ही इसने एक्सपायर करने दिया और इसने खुद अपनी जो कॉल है उसको स्क्वेयर नहीं किया यानी सेल नहीं किया। तो उस केस में क्या होगा? हमने पहले बात की थी कि जो उसका इन द मनी ऑप्शन है वो एक्सरसाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज होगा मार्केट में। जब वो ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज होगा तो उसको हायर रेट से STT चार्ज होगा और वो भी किस वैल्यू पे? वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से चार्ज होगा। तो इस केस में उसको कितना STT पे करना पड़ेगा? 10,000 उसकी स्ट्राइक प्राइस है, ₹10 प्रीमियम है, यानी ये देखिए ₹10 पे कॉल क्लोज हुई है तो ₹10 प्रीमियम यानी टोटल हो गया 10,010 रुपये, 10,010 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई करेंगे लॉट साइज से, एक लॉट का साइज जो है निफ्टी का वो 75 शेयर्स का है, यहाँ से इसकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी उसको हायर STT का जो रेट है 0.125% उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो टैक्स निकल के आएगा एक लॉट के ऊपर वो कितना निकलेगा? 938। तो यहाँ पे आपके सामने है कंपैरिजन कि अगर वो एक्सपायरी से पहले यानी एक्सपायर होने से पहले अपनी जो बाइंग पोजीशन थी उसको अगर वो स्क्वेयर कर देता तो उसको जिस भी प्राइस पे स्क्वेयर करेगा उसके हिसाब से उसे प्रीमियम वैल्यू के ऊपर नॉर्मल STT रेट से जो है चार्ज लगेगा और नॉर्मल STT जो है इस केस में 75 पैसे है पर लॉट। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपनी कॉल को जो उसने बाय की कर रखी थी उसको स्क्वेयर नहीं किया मार्केट क्लोज होने से पहले एक्सपायरी वाले दिन, तो उसको कितना पर लॉट के हिसाब से अब टैक्स लगेगा? उसको लगेगा 938 रुपीज। अब आपके सामने है कंपैरिजन कि उसको कितना ह्यूज टैक्स लगेगा। अब हम ये देख लेते हैं
कि ये जो उसने अपनी जो इन द मनी ऑप्शन थी उसको पहले स्क्वेयर नहीं किया और उसने एक्सपायर होने दिया, जिसकी वजह से उसको 938 रुपीस पर लॉट के हिसाब से एसटीटी पे करना पड़ेगा। अब इस 938 रुपीस की वजह से उसको जो नेट रिसीव होगा, पेमेंट रिसीव होगी या उसके अकाउंट से पेमेंट डेबिट होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, हायर एसटीटी अमाउंट जो है वो है हमारा 938 रुपीस, उसमें से जो इसको ऑप्शन की वैल्यू रिसीव होगी वो है 10 रुपीस इंटू 75 का जो लॉट है। अगर उससे हम मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें हायर एसटीटी अमाउंट्स में से, तो हमें ये पता लगेगा कि उसको नेट पेमेंट रिसीव होगी या उसे पर लॉट के हिसाब से टैक्स में लॉस होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 938 रुपीस हमारा टैक्स अमाउंट है, इसमें से हम ये जो इसको प्रीमियम मिलेगा यानी 10 रुपये उसका इन द मनी है, इन द मनी तो उसको मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 75 से, तो ये अगर हम इसे माइनस करें तो इसको पर लॉट के हिसाब से 188 रुपीस का लॉस होगा। नेट लॉस इसको कितना हो जाएगा, 188 रुपीस का नेट लॉस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने किसी ऑप्शन को बाय किया है, फिर वो चाहे कॉल हो या पुट हो, अगर एक्सपायरी वाले दिन तक आप उसको होल्ड करते हैं, अगर वो आउट ऑफ द मनी एक्सपायर हो रही है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो वो नॉर्मल एसटीटी चार्ज होगा। लेकिन अगर आपका जो ऑप्शन है वो अगर इन द मनी एक्सपायर हो रहा है और अगर आप उसको एक्सपायर होने देते हैं, उसे आप स्क्वेयर नहीं करते हैं, तो उस केस में आपको हायर रेट से एसटीटी चार्ज होगा, जिसकी वजह से जो आपको बेनिफिट आना है वो तो नहीं आएगा, उल्टा आपको टैक्स के हिसाब से ह्यूज अमाउंट में लॉस हो सकता है। तो अगर आप अब ये चाहते हैं कि आपके ऊपर ये वाली कंडीशन ना अप्लाई हो, यानी ये वाली सिचुएशन आपके साथ ना आए, तो आपके लिए बेटर यही होगा कि जो आपकी इन द मनी ऑप्शन है, फिर वो चाहे कॉल हो या पुट हो, अगर वो एक्सपायरी वाले दिन इन द मनी क्लोज होने वाली है, एक्सपायर होने वाली है, तो उसे आप पहले ही स्क्वेयर कर दें यानी सेल कर दें, अदरवाइज आपको ये जो है हायर एसटीटी एप्लीकेबल हो सकता है। लेकिन अब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे रीजंस ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपनी ये जो इन द मनी ऑप्शन है उसको आप एक्सपायरी वाले दिन क्लोज ना कर पाए हो, आपका इंटरनेट ना चल रहा हो, आपका कुछ टेक्निकल इश्यू हो, या आप अपने ब्रोकर को फोन ना कर पाए हो, या आप किसी मीटिंग में बिजी हो, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने ये जो ऑप्शन है उसको स्क्वेयर ना कर पाए हो। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए अब एनएससी ने यानी एक्सचेंज ने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, वो है डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन। अब इसे जरा उसके एक सर्कुलर से समझ लेते हैं। देखिए ये है एनएससी का सर्कुलर, ये आया था 22 अगस्त 2017 को। इसमें लिखा है फैसिलिटी ऑफ डू नॉट एक्सरसाइज इन इक्विटी ऑप्शंस, यानी जो हमने पहले बात की थी कि जो आपके ऑप्शंस जो है एक्सरसाइज हो जाते हैं इन द मनी वाले एक्सपायरी के बाद, जिस पे हायर एसटीटी लगती है, तो अब एक्सचेंज यानी एनएससी ने एक फैसिलिटी दी है आपको कि अगर मार्केट क्लोज हो गई है और आप अपनी इन द मनी जो ऑप्शंस हैं उसको क्लोज नहीं कर पाए थे, तो अब आपको आफ्टर मार्केट आवर्स एक फैसिलिटी दी गई है जिसमें आप अपने ब्रोकर को डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन बता सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर आपका कोई ऑप्शन जो है इन द मनी एक्सपायर हो गया है जिसको आप क्लोज नहीं कर पाए थे, तो एक्सचेंज ने आपको एक फैसिलिटी दी है, आप अपने ब्रोकर को बताइए कि मेरा ये सो एंड सो जो है ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हो गया है और उसे मैं डू नॉट एक्सरसाइज में मार्क करवाना चाहता हूँ। तो ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर एक्सचेंज में एक फाइल भेजेगा जिसमें वो आपका जो ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर हुआ है उसके सामने वो नो लिख देगा। नो लिखने का मतलब ये है कि आप अपना जो ऑप्शन है जो इन द मनी एक्सपायर हुआ है उसको आप एक्सरसाइज नहीं करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको हायर एसटीटी नहीं लगेगा। लेकिन ये हायर एसटीटी किन केसेस में नहीं लगेगा या कौन सी इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस होंगे जिनको ये नहीं लगेगा, देखिए एक्सचेंज ने क्लियरली कहा है यहाँ पे कि CTM यानी जो भी कॉल ऑप्शन के केस में 3 ITM ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस इमीडिएटली बिलो द फाइनल सेटल प्राइस, यानी जो भी 3 स्ट्राइक प्राइसेस आपकी इन द मनी जो कॉल के केस में सेटलमेंट प्राइस से नीचे होंगी वो CTM यानी क्लोज टू मनी बोली जाएंगी, उन्हीं 3 ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस को डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन मिलेगा, यानी उसके बाद जो 4th 5th जो स्ट्राइक प्राइसेस होंगी उनको ये वाला ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यानी उनको कंपलसरी हायर एसटीटी पे करना ही पड़ेगा। और पुट ऑप्शन के केस में
थ्री आइटम ऑप्शन स्ट्राइक प्राइसेस इमीडिएटली अबव द फाइनल सेटलमेंट प्राइस, यानी जो भी फाइनल सेटलमेंट प्राइस होगा पुट ऑप्शन के केस में, जो भी तीन इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस इमीडिएटली उसके ऊपर होंगी, जो उसको क्लोज टू मनी बोला जाएगा, और उन्हीं तीन स्ट्राइक प्राइसेस को ही ये डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन दिया जाएगा, यानी उसके तीन स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर जो भी स्ट्राइक प्राइसेस होंगी उनको वो डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आप ये हायर एसटीटी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें जो कि ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, और मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं सो दैट मैं उनको क्लियर कर पाऊं। और अगर आप एक नए व्यूअर हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट आगे से आने वाले मेरे वीडियोस के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। शेयर मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना बाजार जोखिम के अधीन होता है।